अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसकून रातें नसीब फरमाए, आमीन। सुबह बेटा उठ जाएगा ना, बेबी छोड़ दो। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अल्लाह पाक ने कैंडी दिया तो अल्लाह पाक का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? कैसे? थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक यू अल्लाह पाक। चलो ठीक है। अच्छा, और वो देखें, वो आज ही मैंने जब कॉट इधर कर दिया था तो ये टिश्यू जो है वो नीचे से निकाले ही नहीं, डस्ट वो झाड़ू लगाते हुए। अच्छा, रात का टाइम, रात के 12:15 बज रहे और मैं आपसे एक फिर जुगाड़ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, क्योंकि AC अभी तक हमारा बंद नहीं हुआ, हालाँकि शायद मौसम चेंज हो गया। किसकी कॉल आ रही है बेटा? और ना AC अभी हमारा बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़ाहिर हसन को गर्मी ठंड से बचाने के लिए ना हमने इसका जो नेट है ना, नेट इसके ऊपर एक कंबल अतीक ने दे दिया था। हम इसको ना जब सोते हैं ना रात को, AC तो ऑन होता है, तो ऐसे सारा जो नेट है ना इस तरह आगे तक कर देती हूँ तो अंदर का जो टेम्परेचर है ना हसन के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये ठंड से बचा। ओ मेरा बेटा डिस्टर्ब हो रहा है मेरी आवाज़ से, सॉरी बेटा, अभी लाइट ऑफ करती हूँ। सो ये एक जुगाड़ मैंने आपसे शेयर किया, एक और दिखाती हूँ आपको। बड़े जुगाड़ लगाए हुए मैंने इस कॉट के साथ। रात को अतीक की आदत है कि वो कहते मुझे फुल अंधेरे में नींद आती है, जबकि एक डिम लाइट भी नहीं ऑन करने देते। सो मुझे फिर उन्होंने ये लगा दिया, ये देखिए छोटी सी लाइट्स हैं, इसको इसमें ऑन करती हूँ ना, अभी तो लाइट ऑन है ना बड़ी वाली, तो इतना पता नहीं चल रहा। यहाँ पे छोटा सा स्विच है, इसको मैं ऑन करती हूँ, ऑफ़ करती हूँ रात को जब ये उठ के रोता है। ये देखिए मेरे बेटे की नींद ख़राब हो रही है। तो चले बाकी बात मैं आपको फिर बताती हूँ, मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ क्योंकि मेरे बेटे की नींद नहीं ख़राब हो रही है। हट जाओ बेटा, बेटा उठ जाओ, वो रो रहा है, चलो लाइट ऑफ करने दो। बाकी अब हसन को भी बहुत नींद आ रही है, सो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको अब सुला देती हूँ। बेटा छोड़ दो, छोड़ दो, लाइट ऑफ कर दो। इसके ना बैटरीज जो है ना वो लो हो गई हैं, इसमें मैं नए सेल डाल दूंगी ना तो ये लाइट्स जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी देती हैं। बस बेटा रात के टाइम इतनी नहीं खाते, एक ही खाते हैं, उसको अल्लाह पाक ने दे दिया ना, अब अल्लाह पाक सुबह देंगे। चलो ऊपर लेटो, अगर सोने, अभी तो कह रहे थे मुझे नींद आई है, चलो सो जाओ। सोने की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा। अच्छा दुआ तो पढ़ो, अल्लाहुम्मा। नहीं पढ़ना, ठीक है फिर मैंने आपके साथ सोना भी नहीं है। अल्लाह पाक कैंडी देंगे, पहले दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका 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 आमूतु। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक। आज मैंने ना ये खोली है कबर्ड, और तो मैंने ना ये हसन के जो ड्रेसेस थे ना वो मुझे याद आ गए एकदम से, कि अब जो है ना अहमद हसन माशाल्लाह से उसको भी ये छोटे होने वाले हैं। अचानक से मुझे याद आया कि सादिया ये कपड़े तो पहना दो यार, ये छोटे हो जाएंगे। मैंने सबसे जब कब से संभाल के रखे हुए थे हसन को पहनाऊंगी, और अब मुझे एकदम से याद आया कि तो हसन को भी छोटे होने वाले। और ये देखिए इनको मैं वॉश करती हूँ, ये हैंग हुए हुए थे और ये ऐसे ना थोड़े थोड़े से गंदे हो गए हैं। और जो ये वाला ड्रेस था ना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया भी था, जो लिया तो हसन के लिए था, लेकिन ये हसन पहने का अब इंशाल्लाह सर्दी में इसको बहुत अच्छा पूरा हो जाएगा। ये क्या एज है, ये देखिए इसका अभी तक तो टैग भी, टैग क्या उतरना था इसका, जब मैंने इसको पहनाया ही नहीं तो टैग ही लगा हुआ। और ये ना काफ़ी अच्छा मोटा है, मैं आपको खोल के दिखा, ये देखें अंदर से ना कितना अच्छा सा मोटा सा स्टफ है इसका, ये देखें सॉफ्ट। और ये सो ये वाला तो चले अभी मुझे मैं रख सकती हूँ, लेकिन ये तो सारे हसन को भी छोटे होने वाले हैं, और आगे से फिर मौसम भी ठंड का आ जाएगा। मैं इनको आज अच्छे से वॉश करती हूँ, खुद करूँगी वॉश, और फिर हसन को जो ना वो मैं पहना दूँगी ताकि जो ना वो कुछ तो काम आए। जी एलिफेंट बना हुआ है। अच्छा, और ये वाले भी ऐसे पकड़ के दिखाए, इस पे क्या बना हुआ है देखिए जरा, चलें जी मैं इनको वॉश किधर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हजारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों की लाजवाल खजानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसकून रातें नसीब फरमाए, आमीन। ओ मेरा अलार्म बज गया। जी बेटा ये देखें, सुबह के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 या सुबह के 12,
चलें जो भी है, बहरहाल सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। बच्चों को जो है ना वो मैं फ़्रेश करा रही हूँ और अभी पहले हसन को नहलाने लगी हूँ। आजकल मैं उसकी ज़रा ना टॉयलेट ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो जी बेटा उसको मैं टॉयलेट पर बिठा के आई हूँ। और हाँ जी, हो गया, मैं अपने बेटे को नहला दूँ? चलें ठीक है, मैं आ रही हूँ। सो मैं आजकल उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो ये होता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी तो ये ट्रेन होगा ना। सो ये देखें, मैं इसके कपड़े निकाल दिए हैं, थोड़ा सा मौसम हल्का सा चेंज हो गया तो मैंने फिर ये पैंट निकाल दिया, अदरवाइज़ मैं इसको जीन्स तो बिल्कुल नहीं गर्मी में पहनाती। सो हसन के भी कपड़े निकाल लिए हैं, अहमद हसन के मैंने प्रेस कर दिए हैं, और अभी जो मैं जल्दी से हसन को नहलाऊँगी, फिर इतने में अहमद हसन का पानी गर्म हो जाएगा, फिर उसको नहलाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, दे आयो। चलो ठीक है, ये जो कल हमने शॉपिंग की थी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अभी मैं जल्दी से हसन को फ्री कर लूँ, मुझे आवाज़ें दे रहा है, सुनाती हूँ आप। जी मेरी जान, हाँ जी, कहाँ कर लूँ? ओके मैं आ रही हूँ, चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अच्छा जी, जो हसन के कपड़े निकाले थे ना छोटे, वो तो जनाब अहमद हसन को भी छोटे हो गए हैं, मतलब कि मैंने लेट निकाले हैं, मुझे थोड़ी देर पहले निकालने चाहिए थे। तो ये देखिए, ये भी मैं उतारने लगी हूँ, अभी जो पहनाया इसको बहुत मुश्किल, बल्कि पूरा ही नहीं आया सही तरह से, तो ये भी मैं उतारने लगी हूँ। हम पहनेंगे ये खाला शैमा वाले कपड़े। सो ये ड्रेस सिस्टर ने भेजा था, तो अब मौसम चेंज हो गया, फुल बाजू, मेरी कोशिश है कि मैं फुल बाजू वाले लेके आऊँ ना, बल्कि मैं कल लेके भी आई, वो भी मैं आपको इधर शॉपिंग में आगे चलकर दिखाऊंगी भी। और बस मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं इसको सुलाती हूँ, क्योंकि नहला दिया है और अब इसको ना नींद आई हुई है बहुत ज़्यादा, ये देखें डिस्टर्ब हो रहा है ज़्यादा सारा, तो ये मैं उतारने लगी हूँ उसकी, इसको छोटे हो गए, अब ये पहनाते हैं हम, तो मिलती हूँ आपसे। इन चीज़ों को मैं समेटने लगी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कल हम कौन सी शॉपिंग करके आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो मुझे एक मज़ेदार सा अचार चाहिए था ना, ये देखिए, ये है जी मिक्स अचार, जो कि उधर से लेके आए हम पंजाब मेगा मॉल से। अगर कोई सिस्टर होती हैं जो अक्सर पूछती हैं, सिस्टर बताया करें आप कहाँ से लेती हैं, ताकि हम लोग भी वो चीज़ ले सकें, तो ये मैंने पंजाब मेगा मॉल से ये अचार लिया है, काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा जी, उसके बाद फीडर क्लीनर मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने फिर उसके दो ये बॉटल्स ले ली थी, और दूसरी वाली जो मैं कल उधर निकाली थी मैंने फीडर वॉश करने के लिए बाबा के घर में, मुझे उठा के लाने याद ही नहीं रही, मैंने कहा चलें फिर फिलहाल एक उधर भी रखी रही, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं वहीं नज़र आती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, फीडर क्लीनर हो गया, उसके बाद ये फेस वॉश मुझे चाहिए था, वो भी मेरा बिल्कुल एंड होने वाला था। उसके बाद जी ये है, ये तो अतीक ने ली थी, उसके बाद ये है जी जेल, ये भी अतीक ने ही लिया है, आजकल उनको स्टाइलिंग का पता नहीं शौक आया हुआ था या जो भी है, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए एक नेक्स्ट ऑन का मैंने लिया है, ये बेबी बॉथ, और उसके बाद है ये बेबी माइल्ड का, ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम जब हसन पैदा हुआ था तो भाभी ने मुझे ना इसकी किट गिफ्ट की थी बेबी माइल्ड की, सो मैंने फिर ये इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ये ले लिया एक बेबी माइल्ड का बेबी बॉथ। उसके बाद आ गया जी ये देखें हमारा फीडर आ गया है, एवियन का फीडर। अच्छा, इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं ना फीडर एवियन का ही यूज़ करती हूँ, मैंने बाकी भी लोकल कंपनीज़ के लिए हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगे ना, वो सही चले हैं मेरे बच्चों के साथ, तो फिर मैंने एवियन का ही फीडर ले लिया था। अच्छा जी, बात हो रही थी फीडर की, मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना एवियन की ही फीडर यूज़ करती हूँ हसन के लिए भी पहले से, क्योंकि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम फीडर भेजा था ना आप ही ने एवियन का, तब से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि, बल्कि मैंने जो फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था ना, अगर आप लोग मेरी हसन की पैदा होने वाली वीडियोस देखें तो वहाँ पर मैंने एवियन फीडर ख़रीदा था जब न्यू बॉर्न था, तो मुझे ना आदत है एवियन की ही, हालांकि मैंने लोकल फीडर यूज़ किए हैं, लेकिन ना वो एक बात बताऊँ आपको, वो ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। अब बेबी रो रहा है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि जानबूझ के जो है वो शायद ये शो करती है कि मैं महंगा फीडर यूज़ करती हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है यार, इसमें शो ऑफ क्या होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम इसमें कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये विन का फीडर मुझे 2000 रुपीज़ में मिला, और आपको पता है कि
ये नहीं कि मैंने एकदम से जाके 2000 का फीडर ले लिया है, मतलब कि इसके लिए भी कुछ आपको बजट अपना प्रिपेयर करना पड़ता है, और मैंने भी इसको प्रिपेयर किया है, इसका मैंने बजट जो है ना वो प्रिपेयर किया है पहले से। कुछ पैसे जमा कर रही थी कि 2000 वाला फीडर मैंने लेना है, क्योंकि मैंने लेना एवियन का ही था। सो ये फिर मैंने फाइनली फीडर ले लिया, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हसन की वजह से ना लॉक लगाया होता है फ्रिज को। हसन बेटा पीछे हो जाओ, ठहर जाओ। ये फीडर है। अच्छा, फीडर्स जो है ना मैं इनके फ्रिज में ही रखती हूँ, और ये मैंने अपनी आप ही से सीखा था। फीडर कभी भी मैं बाहर नहीं रखे, यूज़ के बाद फ्रिज में रख देती हूँ और फिर उसको वॉश करके यूज़ करा लेती हूँ। सो ये वाला फीडर जो मैंने अभी हसन के लिए लिया, ये बड़ा साइज़ है, और ये जी हमें मिल चुका है 2000 रुपीज़ का, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आज ये फीडर ख़रीद लिया। और ये अहमद हसन का था जो सिस्टर ने भेजा था, थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। तो फीडर जो है मैं सिर्फ इसी कंपनी के यूज़ करती हूँ। अच्छा, इन फीडर्स का ये है कि ना आप एक दफ़ा महंगे ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन ना बाद में आपके साथ चलते हैं, मतलब यही फीडर जो, अल्लाह पाक खैर रखें और ज़िंदगी हो मेरे बच्चों की, तमाम बच्चों के साथ, मेरे बच्चों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखें, तो ये अहमद हसन भी यूज़ कर लेगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, इस हसन बेटा, सो जी फीडर आ गया हमारा इवेंट का, इसको रखते हैं हम साइड पे। यार ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं पता नहीं 10 मरतबा उठ चुकी हूँ, अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं रिकॉर्ड करूँ। कभी बच्चा कोई आ जाता है, कभी मेड आ जाती है, कभी वो बाहर बैल हो जाती है, दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, ये अचार था, उसके बाद मैं जल्दी से बस दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए, मैंने ना ये फीडर वॉश करने वाले जो ब्रशेज होते हैं ये मैंने लिया है, और ना ये देखें 755 रुपीज़ का मुझे मिला है। ये देखें, मिला थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसमें ये है कि ना सही है। अच्छा, दिखाती हूँ बेटा, लेकिन ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि चलें एक दफ़ा ले लें ये चीज़ तो मेरे साथ चले। इसका छोटा सा ब्रश भी है इसके निपल धोने के लिए, देखें पूरे जो बड़ा है ये फीडर धोने के लिए, और छोटे ब्रश का ये कि साथ ही इसके ना जॉइंट है, इसको अलग से फिर कहीं पर नहीं इसको रखना पड़ता और बार बार उतरता नहीं है। ये फीडर जो है काफ़ी अच्छा मिल गया, सॉरी ब्रशेज़ अच्छे मिल गया मुझे, इम्तियाज़ मॉल से मैंने ये लिए हैं 755 रुपीज़ के। अच्छा जी, ये लो बेटा आप देख लो, ये लो, आपने ये बनाना खा के यहीं पर रख दिया। उसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पर। अच्छा, 5 घंटे हम लोगों ने शॉपिंग की और ख़रीदा हमने क्या कुछ है, बस ये टिशू बच्चों के साथ आपको पता ही चाहिए होते हैं। उसके बाद बस ये खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, ये तीख ने जो है वो खजूर ली थी अपने लिए, डाइट डाइट डाइट। अच्छा, मिल्की ब्रेड इम्तियाज़ की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी रीज़नेबल भी है इनकी, ये मिल्की ब्रेड मैंने ली थी। और उसके बाद जो वो चाय के साथ, यार आजकल मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं ना ये खाऊं कुछ भी, केक वगैरह, और वेट मैंने गेन कर लिया है, उसको मुझे कम करना है। ये मैंने खैर ये ले लिए थे केक कुछ इकट्ठे ज़्यादा सारे ले लिए मैंने। मैंने कहा चले कोई नहीं, फिर बार बार जो है ना अतीक को भेजना पड़ता था, अतीक ही ले आना प्लीज़, उनकी शॉपिंग की टाइमिंग कुछ इस तरह की है। उसके बाद हम शॉपिंग क्लब पे गए थे, तो वहाँ से मैंने ये देखिए अहमद हसन के लिए ड्रेस लिया था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था, मेरे पास ना फुल ड्रेस, फुल स्लीव्स वाला कोई ड्रेस नहीं था, तो मैंने ना एक ये ले लिया। ये देखें, अभी भी मुझे लग रही थोड़ा सा इसको बड़ा है, लेकिन कोई नहीं हो जाएगा, आगे मौसम ठंडा आ रहा है। एक ये लिया था मैंने, हसन के भी लेने थे लेकिन इसके साइज़ का ना वहाँ पर फ़िलहाल नहीं था, एक मैंने ये लिया। ये देखें, वही आई थिंक 1650 समथिंग का एक ड्रेस है, और इस पर 20% ऑफ भी था, सो मुझे ये मिल गया होगा। मेरे पास बिल है इसका, बेटा इसको आपने क्यों खोला है, पारा है। ये देखें जी, ये ब्रश इसने खोल भी दिया। हसन पाँव के ऊपर से पाँव उठाओ, मैंने आपको मना किया ना पाँव पे पाँव नहीं रखते। ये देखिए छोटा ब्रश है ये, इसको आप यहाँ से ऐसे खोलें और इसका मतलब फीडर का निपल वॉश कर लें अंदर से, और ना साथ में जो है वो ये ब्रश, और काफ़ी अच्छा ब्रश है, इसके आगे स्पंज भी लगे हुए हैं। बेटा आपने इसको मुंह में डाला था, कितनी बुरी बात है, ये गंदा होता है। अच्छा, और ना आपको तो मैं जब भी फीडर वॉश करने के लिए ना मुझे स्पंजेस अलग से यूज़ करना पड़ता है, जिससे बर्तन धोते हैं उससे तो मैं फीडर नहीं वॉश करती, क्योंकि ज़ाहिर है बर्तन में ऑयल होता है, सालन होता है, ये वो, तो फिर मैं उसके लिए अलग स्पंज रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने ये ब्रश ले लिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो ना वो ये आसानी हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस ब्रश की ना, मतलब अगर हमने एक दफ़ा ख़रीद लिया ना तो ये मेरा ख्याल है कि चलेगा, और कोई बात नहीं, अगर थोड़ा महंगा आ भी गया तो कौन सा ये, इसको हमने रोज़ रोज़ ख़रीदना होता है, तो ये बच्चों के साथ चलेगा। जी जी जी, क्या चीज़ ये है, फ्रीजर क्लीनर है, फ्रीजर क्लीनर नहीं है,
फिर क्या है? अच्छा चलो बेटा मुझे कपड़े दिखाने, बस एक अहमद हसन का ही के लिए, और ना एक मुझे शर्ट ना है तो विंटर की, लेकिन मुझे इतनी प्यारी लगी थी ना अहमद हसन के लिए, तो मैंने कहा ठीक इसको नहीं छोड़ने को दिल चाह रहा, तो फिर मैंने ये भी ले ली। ये देखिए ये बहुत क्यूट सी शर्ट है, ये देखिए ये हसन के लिए ली है, अभी है तो बड़ी लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी ना तो हसन को पूरी आ जाएंगी ये शर्ट। बस ये हमारी छोटी 5 घंटे और ये इतनी सी शॉपिंग, बस मेरा ख्याल है आज का व्लॉग यहीं तक था, इस व्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक करते जाइए, खुदा हाफिज़।